और भाई लोग कैसे हो। तो वापस हम लोग आ चुके हैं पबजी मोबाइल का एक और न्यू वीडियो के साथ। आज का जो इवेंट है वो काफ़ी ओपी इवेंट है और ये कुछ कुछ रीज़न में आया, जैसे पाकिस्तान रीज़न, टर्की रीज़न, और इसके अलावा और कोई भी रीज़न में आपको ये ग्रोइंग पैक दिखाई देता है तो कमेंट कर लेना। तो उसके साथ साथ आपको पता, कल मैं आपको शाम को मेन चैनल में दिखाया था कि क्लासिक क्रेट आने वाला है, तो कुछ कुछ रीज़न में वही आइटम को क्लासिक क्रेट में डाला है, कुछ कुछ रीज़न में आपको ग्रोइंग पैक में डाला है, और उसके साथ साथ कुछ और रीज़न है जहां आपको एक स्पिन में डाला गया है। तो मैं आपको तीनों दिखाने वाला हूं। तीनों में से एक तो है क्लासिक क्रेट, उसको दिखा के कोई सेंस नहीं बनता, ऑलरेडी आपको पता है। दो और दिखाने वाला हूं कैसे ये आउटफिट दिया गया। ये जो अकाउंट मेरा टर्की रीजन में है, इधर आप देखो ग्रोइंग पैक को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये बहुत ही ओपी किस्म का ग्रोइंग पैक है जिसमें आप देख पर, ये जो इवेंट है 7 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चलने वाला है। और ग्रोइंग पैक का मतलब आपको पता ही है, सबसे पहले आप मिशन सब कंप्लीट करो, जैसे आप मिशन कंप्लीट करो सबका सब एक छोड़ दोगे ये वाला, तब भी काम चल जाएगा और आपको ग्रोइंग पॉइंट मिलेगा। ये ग्रोइंग पॉइंट और आपको थोड़ा बहुत यूसी जरूरत पड़ेगा एक पैक परचेस करने के लिए, और आपका जो यूसी है वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये मिशन सब कंप्लीट करो, आप सबको पता है मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, उसके बाद सिंपली इसको ड्रैग करो। ये सबसे पहले वाला मत खरीदना तो आपका पूरा पूरी लॉस होगा, एकदम नीचे चल जाना, नीचे का एकदम पीछे चल जाना। और इधर आप देखो ये रेड कलर का जो आप बैनर देख पा रहे हो, ये जो पैक है ये 500 यूसी लेगा, तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 500 यूसी होना ही चाहिए तभी जाके ये पैक को परचेस कर पाओगे, और आपका जो 500 यूसी है वो वापस मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 500 यूसी जो ले रहा पबजी मोबाइल वो वापस नहीं देगा, जी नहीं, 500 यूसी को आपको केवल सर्कुलेट करना होगा। जैसे आप ये पैक परचेस करोगे 500 यूसी का और उसके साथ साथ 800 ग्रोइंग पॉइंट का जो कि आपको ये मिशन से मिल जाएगा, तो आपको वापस से 500 यूसी मिल जाएगा जो आपने इन्वेस्ट किया है, और उसके साथ साथ आपको 40 मिल जाएगा रेड क्रिस्टल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल रहा है, और उसके साथ साथ एक ओपी वाला आउटफिट, एक तरह का बोल सकते हो पबजी की तरफ से आप सबको गिफ्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा आउटफिट है। उसके साथ साथ ये 40 क्रिस्टल इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको मैं अभी इसका लोकल शॉप दिखाने वाला हूँ, तो आपको समझ में आ गया ये वाला पैक लेना जिसका वैल्यू आप देख पर 3500 यूसी का है। इसको छोड़कर आप कोई भी पैक में ध्यान मत देना, एटलीस्ट आपके अकाउंट में 500 यूसी होना चाहिए, वापस आपको मिल जाएगा 500 यूसी, बट होना तो चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो 40 क्रिस्टल मिलेगा उसका यूज किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आप शॉप में जैसे आप जाओगे तो इधर आप देख पर एक बहुत ही ओपी लोकल शॉप आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप ये वाला फ्रोस्ट एल्डर सेट ले सकते हैं। ये बहुत ही ओपी आउटफिट है, और उसके साथ साथ उसका हेड गियर, और उसका जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, अगर ये बीजेएमआई में आता तो मैं यूसी से भी लेने के लिए तैयार था, इसका नाम है स्नो एल्फ सेट, और ये आपको मिलने वाला 55 क्रिस्टल से। ऑलरेडी 40 क्रिस्टल आपको ग्रोइंग पैक से मिल जाएगा, और 15 क्रिस्टल तक बहुत सारा इवेंट ऑलरेडी टर्की रीजन में आ चुका है। उसके साथ साथ इसका हेड गियर पूरा सेट बहुत ही ओपी लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कैसा लगा कमेंट करना। ये वन ऑफ द फेवरेट सेट है मेरा, तो ये बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, बट बीजेएमआई में कब आएगा, विंटर खत्म होने के बाद तो घंटा ये नहीं आने वाला, क्या बोले अब उसको, छोड़ो। उसके बाद आप देख पा रहे 80 क्रिस्टल में आप देख पा रहे ये बैकपैक मिल जाएगा, जॉली स्नोमैन बैकपैक। तो इधर का तीनों लेवल देख पा रहे हो, और वही वाला आउटफिट जो आपको फ्री में मिल रहा पार्टी ट्रूपर सेट, ये आप अलग से भी परचेस कर सकते हो, और ये जो है टाइम लिमिटेड होने वाला, ये परमानेंट है, कभी भी आप इसको परचेस कर सकते हो। ये आउटफिट आप जो देख पा रहे हो टाइम लिमिटेड है, तो आपको 20 जनवरी का पहले ही आउटफिट लेना होगा। तो आप ग्रोइंग पैक अगर जो जो बंदे कर लेंगे तो डायरेक्टली उधर से ले सकते हो, उसको इधर से ज़रूरत नहीं है। और बाकी जितना भी हेड गियर आप देख पा रहे हो, जो कि मैं कल दिखा दिया था, सबका सब 20 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। बाकी जितना भी सामान आप देख पा रहे हो नीचे का, ये एक्सपायर नहीं होगा, आप कभी भी ले सकते हो। और ये भी आउटफिट आप देख पा रहे हो, उसका ICU वाला जो थीम है वो तो पिछले वाला सीजन से चलते हुए आ रहा है, तो बाकी सब आप कभी भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत ही ओपी लोकल शॉप है। उसके साथ साथ पाकिस्तान रीजन में भी ग्रोइंग पैक का फॉर्म में ही ये इवेंट आया जिसमें ग्रीन क्रिस्टल मिल रहा है, और 400 शायद यूसी लग रहा है, इसमें 500 यूसी लग रहा है, उसमें 400 यूसी लग रहा है, और वापस से वो 400 यूसी वापस मिल जाएगा। और उसका भी लोकल शॉप अच्छा खासा, क्योंकि उसमें भी बहुत लोगों को ग्रोइंग पैक कंप्लीट होने के बाद डासिया मिल जाएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ इंडोनेशिया रीजन में ये ग्रोइंग पैक तो नहीं, एक स्पिन आया जैसे कि आप देख पाए आपके स्क्रीन में, इसमें यूसी सब स्पिन कर सकते हो, उसमें आपको क्रिस्टल मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया, सब रीजन में अलग अलग फॉर्मेट में ये इवेंट दिया गया। ग्रोइंग पैक सबसे किफ़ायती है, और टर्की रीजन सबसे ओपी है क्योंकि उसमें आउटफिट भी है, बट प्राइस का नज़र में देखना चाहता तो पाकिस्तान रीजन थोड़ा ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 400 यूसी में आपका काम बन जा रहा है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि किसी किसी को क्लासिक क्रेट में वो आउटफिट दिया जा रहा है, किसी किसी को ग्रोइंग पैक में दिया जा रहा है, किसी किसी को स्पिन में दिया जा रहा है, बट दिया तो जा रहा सभी रीजन में, तो अपने ऊपर डिपेंड। सबसे बेकार जो है वो बीजेएमआई है, क्योंकि बीजेएमआई में क्लासिक क्रेट में दे रहा है, और क्लासिक क्रेट का रेशियो जो है आप सबको पता ही है, मेरे को अलग से एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतने रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।